अब से कुछ दिन बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के टूटने को लेकर बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीति लगातार गर्मा रही है। पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार, फिर डिप्टी सीएम अजीत पवार, उसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर माफी मांगी है। क्या कुछ है ये विवाद, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। बीते दिनों महाराष्ट्र में सिंधु दुर्ग किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 महीने पहले स्थापित की गई मूर्ति टूटकर बिखर गई थी। 8 महीने पहले ही ये मूर्ति को स्थापित किया था खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेवी दिवस के मौके पर इस मूर्ति को स्थापित किया गया था। जब से ये मूर्ति ध्वस्त हुई है तब से महाराष्ट्र की राजनीति लगातार गर्मा रही है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है और कह रही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर अब केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार से तमाम बड़े नेताओं ने इस मामले पर माफी मांगी है। हालिया बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं, मेरे संस्कार अलग है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माफी मांगने को लेकर कांग्रेस ने हमला किया है। कांग्रेस ने जुबानी हमला किया है। उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, महाराष्ट्र की जनता और विपक्ष के घोर विरोध ने आज नरेंद्र मोदी को छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगने पर मजबूर कर दिया, लेकिन यह माफी नहीं ढोंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पालघर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उनका अभिनंदन किया, जहां पर उन्होंने 76,000 करोड़ रुपए की वाधवन पोर्ट की आधारशिला रखी, उसका शिलान्यास किया। इस मामले पर बीते दिनों ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने माफी मांगी थी और कहा था कि वो माफी मांगने के साथ 100 बार पैर छूने के लिए तैयार हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति 8 महीने के भीतर टूटने को लेकर ही विपक्ष लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि इस मूर्ति स्थापना में बड़े घोटाले की कहीं ना कहीं साजिश है। ये बात भी सामने आई विपक्ष के हवाले से कि ये जो टेंडर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने के लिए दिया गया था वो सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे के दोस्त जयदीप आप्टे को दिया गया था। इसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है, एकनाथ शिंदे सरकार को घेर रहा है। तो वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी बीते दिनों एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर रविवार को यानी कि 1 सितंबर को विपक्ष सरकार के खिलाफ जूता मारो आंदोलन की शुरुआत करेगा। इस आंदोलन के दौरान 1 सितंबर को सुबह 11 बजे मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास हुतात्मा चौक से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तक मार्च निकाली जाएगी, जिसके अंदर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले समेत कई नेता शामिल होंगे। सरकार के खिलाफ निकाले जाने वाले इस आंदोलन को विपक्ष ने नाम दिया है जूता मारो आंदोलन। तो वहीं एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है। जयंत पाटिल ने अपने बयान में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज इस करप्शन और लापरवाही को कभी नहीं भूलेंगे। महाराष्ट्र उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलता है। महाराष्ट्र ऐसी गलती को कभी भी माफ नहीं करेगा। इस मामले में शुक्रवार को ही यानी कि 30 अगस्त को ही पहली गिरफ्तारी हुई है। FIR में जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल पर लापरवाही और प्रतिमा के आसपास के लोगों को संभावित रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन उससे पहले विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और अब सरकार कहीं ना कहीं घुटनों पर आकर छत्रपति शिवाजी महाराज के मामले में माफी मांग रही है। अब देखना होगा विधानसभा चुनाव से पहले
सरकार के ऊपर लगे इस तरीके के आरोप के नतीजे विधानसभा चुनावों में क्या कुछ निकल कर आते हैं, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।